कि जब 5,000 पीबी हमारे नीचे टोटल मिला के हो जाता है तो हमें 2% पैसा हमारे ख़रीदारी का आना शुरू हो जाता है। जो मैं शर्ट पहना हूँ या जो मैं पहनता हूँ, ज़्यादातर शर्ट 450 का है तो 331 रुपये का पड़ा, यानी 330 रुपये का। आज के टाइम में अगर आप शर्ट की सिलाई कराने जाओ ना, सिर्फ शर्ट की सिलाई कराने जाओगे तो कम से कम 300 रुपया आपके सिलाई का लग जाएगा, कम से कम 300 रुपया सिलाई का लेगा शर्ट का। 300 नहीं लेगा तो 250 रुपया तो पक्का ले लेगा, बात समझ गया। तो अब जितने का हम सिला सिलाया शर्ट खरीद रहे हैं आरसीएम में, उतने का तो खाली सिलाई देना पड़ता है बाजार में। आप बताओ सामान महंगा कहाँ है? जो सामान आप 2500 में 2400 में लाते थे वो सामान आपको 1900 रुपया में आरसीएम में मिल गया। अब सामान महंगा हुआ कि सस्ता हुआ, सोच के देखिए। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत पैसा इसमें आता है। अब आपके नीचे ऐसे लोग थे जिन्होंने 2000 का सामान 4 लोगों ने खरीद लिया, क्लियर, बात को समझना, 4 लोगों ने खरीद लिया। अब आपका टोटल बिजनेस हो गया कितना, हो गया यहाँ पर 5000 पीबी हो गया, ठीक है, 5000 पीबी। कंपनी यहाँ पे आपको 2% के हिसाब से पैसा देती है। ये जो पीबी बनता है, ये पीबी आपका अगर तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती लेते हैं तो 50% बनता है, यानी 100 रुपये का सामान लेंगे तो 50 पीबी बनेगा। इस पीबी का ही पैसा आता है, इस आरसीएम में नेटवर्क मार्केटिंग में पीबी का ही पैसा आता है, बाकी चीज़ों का नहीं आता। अब पीबी क्या है? पीबी वो है दोस्तों, जैसे कि हम जब दूध लेते हैं तो दूध को जब जला देते हैं तो खोआ बनता है, तो खोए का रेट हो जाता है, दूध का रेट नहीं रहता, फिर खोए का रेट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दूध से महंगा खोआ बिकता है, क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो पीबी है, पीबी मतलब परचेज वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी, वो पीबी को, उसको पीबी बोला जाता है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज जैसे टेबलेट हो गया, प्रोडाइट हो गया, प्रोटीन हो गया, पाउडर हो गया, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा पीवी मिलता है, 70% से लेकर 80%, मतलब 100 में 70-80 पीवी मिल जाता है। और जो हल्दी नमक चाय पत्ती सरफ साबुन शैम्पू, इसमें 50 पीवी मिलता है, कई में तो 45 है पीवी, है ना, 100 में। लेकिन न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट में, टेबलेट में, पाउडर में ज़्यादा है। और जो कपड़ा लेते हैं, कपड़े में भी 50% है, और बहुत सारा कपड़ा ऐसा है जिसमें पूरा पूरा है, पूरा पूरा मतलब समझ रहे हो, 450 में शर्ट लिया तो 450 पीवी पूरा। अब सोच के देखिए, अगर एक रिश्यू निकाला जाए 450 पीवी 450 रुपये में, 450 पीवी यहाँ मैं लिख देता हूँ रुपये, 450 में 450 पीवी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस समय 26% पर हूँ, तो आप इसमें इससे परसेंटेज निकालो 26.5, और निकाल करके आप कमेंट करके बताओ इसमें से कितना पैसा वापसी आया। मैंने बोला है 450 में, मेरी बात को सुना आप लोग, मान लो मैंने शर्ट खरीदा, हाँ 117 नहीं कम है बबलू यादव जी, कम है, 26.5 है, हाँ आप ठीक है, अनूप कुमार जी का सही है, 119.25 रुपया, एकदम राइट। तो 119.25 रुपया अब यहाँ से हमें इसमें से आ गया, 450 का शर्ट था, हमें जो वापस आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस 119.25 रुपया हमें वापस हो गया। अब 450 में से अगर हम 119 रुपया इसमें से निकालते हैं, 450 निकालते हैं, सॉरी ऐसे नहीं निकलेगा, 450 बस यहाँ से निकलेगा, 19, हाँ इसमें से 9 निकालते, इधर 1 बच गया, इधर आपका बच गया 3, इधर बच गया 3, 331 रुपया हमारा शर्ट पड़ा। मेरी बात को समझना, ये जो मैं शर्ट पहना हूँ आरसीएम का, जो भी शर्ट आ रहा है, बात बढ़िया से समझना आप। 450 का मैंने शर्ट लिया, 450 मुझे पीवी मिल गया, और 26.5% पर मैं अभी हूँ, क्लियर। वैसे तो कंपनी 45% देती है घुमा फिरा के, फ्री उरी मिला करके, ठीक है। लेकिन चलो मैं अभी डायरेक्ट बात करता हूँ कि 26.5% में से मुझे 26.5 में ये शर्ट जो है मुझे 331 रुपये का शर्ट पड़ा। जो मैं शर्ट पहना हूँ या जो मैं पहनता हूँ, ज़्यादातर शर्ट 450 का है तो 331 रुपये का पड़ा, यानी 330 रुपये का। आज के टाइम में अगर आप शर्ट की सिलाई कराने जाओ ना, सिर्फ शर्ट की सिलाई कराने जाओगे तो कम से कम 300 रुपया आपके सिलाई का लग जाएगा, कम से कम 300 रुपया सिलाई का लेगा शर्ट का। 300 नहीं लेगा तो 250 रुपया तो पक्का ले लेगा, बात समझ गया। तो अब जितने का हम सिला सिलाया शर्ट खरीद रहे हैं आरसीएम में, उतने का तो खाली सिलाई देना पड़ता है बाजार में। आप बताओ सामान महंगा कहाँ है, सोच के देखिए। हमारा शर्ट 330 रुपये का पड़ा, 450 का था, सिला सिलाया था। अब बताओ बाजार में अगर आप शर्ट सिलाने जाते हो तो सिलाई कितनी है, शर्ट सिलाई कितनी, 300-350, इससे कम शर्ट की सिलाई नहीं है। तो आप बताओ मुझे मेरा शर्ट कितने का पड़ गया, महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा? 350 का सिलाई है, पैंट का भी 350 का सिलाई है बाजार में,
और वो भी यही यही रेट पड़ जाता है हमें, पैंट भी हमको लगभग 500 का पड़ जाता है। क्लियर। अब हम कपड़ा खरीदेंगे सिलाई करने के लिए देंगे, हाँ पैंट शर्ट 700 का पड़ जाता है, सिलाई सिर्फ सिलाई कराने का 700 रुपया लग जाता है। और यहाँ जो है कि आपका अगर आप 7, 5, 12, 1200 में आपका पैंट शर्ट दोनों हो जाता, 450 का शर्ट हो गया, 700 का आपका पैंट हो गया, 7, 5, 12, 1100 का में आपका सब हो गया, दोनों हो गया, वो भी सिला सिलाया हो गया और बढ़िया कपड़ा में हो गया। बताओ कपड़ा खरीदने से आपका बिजनेस चल रहा, कपड़ा खरीदने से आपका बिजनेस वैल्यू बढ़ रहा, कपड़ा खरीदने से आपका पैसा आ रहा, कपड़ा खरीदने से आप कामयाबी के रास्ते पे आगे जा रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या महंगा क्या सस्ता है, सब सस्ता है, सब सस्ता है। तो यहाँ पर आते हैं, जैसे आपके नीचे 5 लोग की आईडी लगेगी आपका टोटल बिजनेस 5000 हो जाएगा, परचेजिंग वैल्यू जिसको पीवी बोलते हैं, और आपको 2% पैसा यहाँ पर आएगा। अब 2% का पैसा का मतलब समझो, अगर आपका 1000 पीवी है और 5000 पर है तो कितना आएगा, फटाफट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 2% अगर निकाले तो 100 रुपया यहाँ पर आपका निकला, बिल्कुल सही 100 रुपया। अब सोच करके देखिए, अगर आप यहाँ पर आ गए और आपको 100 रुपया वापस हो गया, मेरी बात को समझना, 1000 पीवी आपका हुआ और 100 रुपया आपका वापस आ गया, कोई आदमी ने 2000 का सामान खरीदा था, इधर मैं लिख देता हूँ 2000 का सामान खरीदा था, क्लियर, और ये सामान बाजार में 2300 से कम का नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा 2400 मान लो, 2400 का सामान बाजार में है, ये कहाँ है, बाजार, ये बाजार में है और ये है RCM 2000, उसके बाद इसमें से 100 रुपया और माइनस कर दो, अब ये सामान पड़ गया 1900 रुपये का, आपका सामान जो 2400 में था वो 1900 में पड़ा, आपका 500 रुपया का फ़ायदा हो गया। अब मेरी बात को आप बताइए, जो सामान आप 2500 में 2400 में लाते थे वो सामान आपको 1900 रुपया में RCM में मिल गया, अब सामान महंगा हुआ कि सस्ता हुआ, सोच के देखिए, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत पैसा इसमें आता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, तो पैसा बहुत आता है, क्योंकि ये सिस्टम बताने से चलता है। और वैसे भी हम गांव में कभी खेत की बात, कभी रिश्तेदार की बात, कभी पड़ोसी की बात, कभी गांव में हो रही चर्चाओं की बात करते हैं, करते ही हैं, सभी करते हैं, लेकिन उससे क्या लाभ है, क्या मिलता है, किसी दूसरे की बात करने से क्या मिलता है, किसी राजनेता नेता मंत्री प्रधान की बात करने से क्या मिलता है, वही जगह पर आप RCM की बात करें, साबुन की बात करें, अपने तेल की बात करें, उसके फ़ायदे की बात करें, उनको बोलें कि आप कहीं ना कहीं से तो सामान लेकर आते हो ना, यही सामान अगर आप दुकान बदल करके लाते हो तो ये सब फायदे आपको मिलते जो हम 6 फायदे बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी का 5000 होगा तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब तक किसी भी आदमी का 5000 पीवी नहीं हो जाता है, टोटल मतलब उनके नीचे से टोटल मिला के, उस आदमी को पैसा नहीं आता है। अगर कोई आदमी अपने ही आईडी पर 5000 पीवी कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा आता है, तब उनको 100 नहीं आता, तब उनको 400 रुपया आ जाता है, 300 रुपया मतलब ज़्यादा आता है। क्लियर। अब समझिए, आप याद कीजिए कि आपने किसकी आईडी लगाई है, अभी जिनके नीचे 5000 पीवी नहीं हुआ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप जिनकी आईडी लगाए हो जिनके नीचे अभी 5000 पीवी नहीं हो रहा, उनको पैसा नहीं आएगा। और अगर आप किसी आदमी को फील्ड में खड़ा करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए, पैसा। जब किसी को पैसा आने लग जाता है, पैसा दिखने लग जाता है, तो वो आदमी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए पैसा आना चाहिए। अब चेक करना है कि आपके नीचे जो है कि 5000 पीवी हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप जानकार हैं और आपको ये ट्रेनिंग मिल पा रही है, तो आप अपने नीचे आईडी लगाकर 5000 पीवी 10000 पीवी आराम से कर सकते हैं। उसके लिए हमें 5 लोगों को खोजना होगा, 5 ऐसे लोग जो हमारी तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसे 5 लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अगर आप 5 लोगों को ढूंढ लेते हैं तो आपका पैसा आना शुरू हो जाता है और उनका भी पैसा जाना शुरू हो जाता है। अब नीचे जैसे आपके नीचे मान लो कोई और 5 लोग आ गए, टोटल बिजनेस आपका 10000 चला गया। अब 10000 चला गया तो आप जो है मान लो 1000 पीवी किए, तो यहाँ कितना हो गया, 200 रुपया हो गया आपका, है ना, डबल हो जाएगा, नहीं 4.5% है यहाँ पे 4.5% है दोस्तों। हम अब इसको निकालिए फटाफट, देखिए पैसा कैसे बढ़ता है, 450 रुपया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब सोच करके देखिए, 450 रुपया माइनस 100, 350 रुपया, क्योंकि 5000 वाला भी 100 ले गया नीचे से, वो 100 ले जाएगा, आपको 350 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, 350, यानी आप 10000 पर चले जाते हो तो 350 रुपया आपको मिलने वाला है, ये बात समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैसा बढ़ेगा। आप 20000 पे जैसे चले जाते हो, जैसे आपका टोटल बिजनेस आपका यहाँ पर 20000 हो गया, अब इसको समझो आप, 20000 हो गया, तो 20000 में से क्या करना है आपको, 20000 का पहले जोड़ लेना है,
ये गणित आप लोग को पता नहीं होगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 20,000 को जोड़ो आप लोग, चलो हम 20,000 पे चलेंगे। 20,000 यहाँ पे है 7%, 1400 रुपया हो गया। 20,000 पे 1400 रुपया, देखना बड़े ध्यान से, 20,000 पे जो आपका पैसा आएगा वो 1400 रुपया आएगा, पैसा 1400। अब इसमें देखो माइनस कैसे करता हूँ, 1400 आया। अब इस 1400 में से, इस 1400 रुपये में से आपको माइनस करना है, 1400 माइनस करना है कितना, 450 रुपया, 450, क्योंकि जो 10% पे है वो 450 रुपया ले गया आपका, जो नीचे है वो ये 10,000 वाला ले गया 450। उसके बाद इसमें से नीचे और है जो 100 और ले जाएगा, तो 550 रुपया यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, 550 रुपया। अब 1400 रुपया में से अगर आपका 550 रुपया निकल गया तो आपका कितना बचा, 850 रुपया आपको मिलेगा, ये आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपका टोटल बिजनेस 20,000 चला जाता है, आप 20,000 पर चले जाते हो, तो आपको जो यहाँ पैसा आएगा वो लगभग 850 रुपये आपको आने वाला है। ये गणित इस तरह से लगाई जाती है और ये गणित आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आपको इस गणित को समझना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1000 PV अगर आप करते हैं यहाँ पे, और इसको 1000 PV नहीं करना है, आपको तीन चीज़ करना है, या तो आपको 1500 PV करना है अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, तो वैसे कोई भी अकेला नहीं है, आपके घर में परिवार है, मम्मी है, पापा है, भाई है, शादी हो गया तो वाइफ है, सब लोग हैं ना, तो आपको 1500 नहीं करना है, आपको कम से कम 2500 PV करना है, 2500 PV यानी 2500 PV करना है। और 2500 PV करने के लिए 3-4 हज़ार का सामान लेना होता है, जिसे आप खा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, और ये पैसा कमा भी सकते हैं, क्लियर। और अगर आप लोगों की भी मदद करना चाहते हैं, आस पड़ोस वाले को ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको 5000 PV करना है। कितना करना है, 5000 PV। अगर आप 5000 PV करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलेंगे। सबसे पहले फ़ायदा ये है, अगर आप 10 महीने 5000 PV कर लेते हो, 10 महीने लगातार, तो 500 रुपया एक्स्ट्रा आएगा आपके अकाउंट में, हर महीना आएगा, जीवन भर आएगा, क्लियर। अगर आपने 10 महीना 5000 PV कर लिया है तो 11वें महीने से 500 रुपया आपके अकाउंट में हर महीना आएगा, ठीक है, वो कभी नहीं रुकेगा फिर आपका, क्योंकि आप एक क्लब होता है परचेज क्लब, उसमें चले जाओगे, कंपनी आपको परचेज क्लब में डाल देगी उठा करके आपके आईडी को, तो पैसा यहाँ हर महीने 500 रुपया आपको आने शुरू हो जाता है। उसके बाद में 5000 करने वाले हमेशा हाईलाइट होते हैं, उनको डायमंड क्लब का पिन मिलता है, डायमंड क्लब जो आपके सीने पे लगता है वो कंपनी की तरफ से एक शानदार पिन मिलता है, पीतल का, जिसको बोलते हैं डायमंड क्लब पिन, उस पे लिखा होता है डायमंड, ठीक है, तो आपको वो भी मिलेगा। उसके साथ में अगर आप 5000 PV करते हैं तो छोटा मोटा लेबल जल्दी छूटता नहीं है, छोटा मोटा लेबल लगातार आपका आप पकड़ते रहते हैं और पैसा आपको हर महीना आता रहता, क्लियर। तो 5000 PV करना है। अब यहाँ पर समझना एक चीज़ और है, अगर आपके नीचे 5000 PV नहीं हो पा रहा है टोटल PV, तो आपको ज्वाइनिंग करना है, कम से कम 4-5 लोगों की आईडी लगाना है। उसके लिए हमें 10-12 लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, इसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे, और फायदे बताने से ही सिस्टम चल जाता है। आज तक आप लोगों को मैंने बताया, सिखाया, समझाया, तब जाकर के आप इस काम को आराम से कर पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप लोगों को बताते हैं, उनको समझाते हैं, उनको इसकी जानकारी देते हैं, तो लोग आपके साथ में आना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कल परसों भी बताया, कुछ नया कुछ बताता हूँ, हर रोज़ कुछ नया बताता रहता हूँ। और आपको अगर जीवन में पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो आपको दो चीज़ सीखना पड़ेगा। दो चीज़ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, बेचना, आपको बेचना सीखना पड़ेगा, और बोलना सीखना पड़ेगा। ये दो चीज़ आपको लगातार सीखना पड़ेगा। आप इसको देख लेना, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, पीछे कर दूँ थोड़ा, हाँ ये देखिए। कोई भी आदमी अगर कामयाब होना चाहता है, अमीर होना चाहता है, तो उसे बोलना सीखना पड़ेगा, बोलना और बेचना सीखना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा। आज तक मैंने किसी भी इंसान को बिना बेचे अमीर बनते नहीं देखा। आप मेरे सवाल का सही जवाब देना। जिस फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, नौकर काम करते हैं, आप बताओ काम करने वाले अमीर बनते हैं कि उस काम को यानी उस माल को बेचने वाला अमीर बनता है? सोच के देखो, जो माल हम बनाते हैं, बनाने वाला अमीर है या बेचने वाला? बेचने वाला अमीर है, कमेंट करके बता सकते हैं। गाड़ी को बनाने वाला अमीर है या गाड़ी को बेचने वाला अमीर है? कौन अमीर है सोचिए। जमीन को खरीदने वाला अमीर होता है या जमीन को बेचने वाला अमीर होता है, बताइए। जब कोई भी दुकान कोई खोलता है तो वो बेचता है या उसको खरीदता है? बेचता है। हमेशा बेचने वाला ही अमीर बनता है, बेचने वाला ही कामयाब होता है। अगर आपको बेचना नहीं आता तो आप बेचना सीख सकते हैं।
हम पूरा दिन तो बेचते ही हैं ना, हम अपनी नॉलेज को बेचते हैं, अपनी एनर्जी को बेचते हैं, अपने समय को बेचते हैं, अपनी कारीगरी को बेचते हैं, अपने अनुभव को बेचते हैं, हम बेचते ही तो हैं। अगर आप कोई भी बात किसी से शेयर करते हो ना, शेयर, अपनी बात शेयर करना, एक दूसरे को बताना, वो बेचना ही हुआ ना। आप अपने परिवार के बारे में बता रहे हो तो आप अपने समय को और एनर्जी को बेच रहे हो। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो आप अपने समय को बेच रहे हो, अपनी नॉलेज को बेच रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो, तब उसके बदले आपको पैसा मिलता है। एक टीचर क्या करता है, एक टीचर अपने समय को बेचता है, अपनी नॉलेज को बेचता है, किसके हाथ में, सरकार के हाथ में, बच्चों के लिए, तब वो टीचर को पैसा मिलता है। एक वकील क्या करता है, वो भी अपने समय को बेचता है, अपनी नॉलेज को बेचता है, कहाँ पे, कोर्ट कचहरी में, फिर उसको पैसा मिलता है। कोई भी आदमी है वो अपने आप को बेचता है। नौकरी करने वाला अपने समय को, शरीर को, एनर्जी को, ताकत को, सबको बेचता है, किसके, बॉस के हाथों में, तब उसको पैसा मिलता है। बेचने वाले को ही पैसा मिलता है, खरीदने वाले को पैसा कभी नहीं मिलता। तो आप बेचने वाला बनो, आप क्या बनो, बेचो। जब कोई बात किसी से शेयर करता तो वो बेचता है, यानी किसी को दे रहा। बेचने का मतलब और आसान से समझो, हम अपनी बात किसी को दे रहे हैं, अपना अनुभव किसी को दे रहे हैं, ठीक है ना, अपनी एनर्जी बक बक करके किसी को दे रहे हैं, तो वो बेचना हो गया ना। अब उसके बदले पैसा नहीं मिलता तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो बोलता हूँ तो पैसा मिलता, आप बोलते हो पैसा नहीं मिलता, मुझे बोलने से मिलता, मुझे पैसा बोलने से भी मिलता, आपको नहीं मिलता, क्योंकि मैं बोलता ही ऐसा हूँ कि लोग सुनते हैं तो पैसा आता है, आपको नहीं। तो आप इस रास्ते पे हैं, जा सकते हैं, क्लियर। जब हम किसी से कोई बात शेयर करते हैं मतलब हम बेचते हैं और पैसा आता है। तो आप चेक करें कि आपके नीचे 5000 पीवी नहीं हुआ तो जल्दी 5000 पीवी करें आप। 5000 पीवी करने से ही पैसा आता है। और जब किसी भी आदमी को 20-30-50 रुपया आना शुरू हो जाता है तो वो आदमी का मनोबल बढ़ जाता है, उसके अंदर मोटिवेशन आता है कि वाह मुझे पैसा आया, मुझे कुछ तो पैसा आया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लोगों के घरों में पैसे लाने के लिए आपको काम करना है, आपको उनके नीचे ज्वाइनिंग लगानी है, उसके लिए रोज़ फील्ड में जाना है, लोगों को बताना है, सही से समझाना है, प्रोडक्ट को दिखाना है, अपने सभी सामान को दिखाना है, और वहाँ कुछ न कुछ बेच करके आना है। बात समझ गए, हमें हर रोज़ फील्ड में जाना है, लोगों को प्लान बताना है, अपना प्रोडक्ट दिखाना है, कुछ न कुछ वहाँ से बेच करके आना है। ये है लीडर का क्वालिटी, ये लीडर की पहचान, एक अच्छे और एक सच्चे आदमी की यही पहचान है। आप जब बोलो तो कहते हैं ना, एक छोटी सी कविता में है, जब बोलो तब हंस के बोलो, जब बोलो तो मीठा बोलो, हैं कैसे, अच्छा हाँ, जब बोलो तो हंस के बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो, और कहो कैसे, बच्चों से भी सीखना पड़ता कई बार, हाँ सच सच बोलो, हाँ है? तो ये सब बातें हैं। और पैसा आना चाहिए, देखो जब पैसा आएगा तभी कोई आपके साथ में चलेगा, पैसा नहीं आएगा तो कोई आपके साथ में चलेगा। तो अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, सही बोलो, जो बढ़िया लगे वही बोलो, जो अच्छा ना लगे वो मत बोलो। तो लोगों के पास में जाओ, प्लान को बताओ, प्लान क्या अपना, अगर आपको मार्केटिंग प्लान नहीं आता तो जो फायदे इसके आपको पता हो तो बता सकते हैं ना कि ये फायदे हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप सामान लेते हो, कार्ड आपके कार्ड नंबर बन जाते हैं, कार्ड नहीं बोलना है, कार्ड नंबर बन जाते हैं, जो मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता, क्लियर, तो वो आपका बन जाता सामान लेने से, वो तो बोल सकते हैं। तो आप बताइए, आप, मैं हैंड ओवर करता हूँ परवेज जी, उसके बाद आप में से कितने लोग हैं, कितने लोग कल गए थे फील्ड में, किसी ने किसी को कुछ ने कुछ बताया है इस सिस्टम के बारे में, चाहे फ़ोन पर आपने बात किया हो आरसीएम के बारे में, चाहे आप लोगों के पास जाकर बात किए हो, किसी को प्लान दिखाया हो आपने, आप हैंडराइज कर सकते हैं कितने लोग गए थे फील्ड में। आप में से कितने जाबाज सिपाही हैं, आप में से कितने ईमानदार लोग हैं जो रोज़ किसी न किसी को बताते रहते इसके बारे में, क्योंकि बताने का तो पैसा नहीं लगता, बताने से तो आप लोगों का भला ही करना चाहते हो, मुझे भी बता। तो आप में से कितने ऐसे ईमानदार लोग हैं, ईमानदार आदमी, जो किसी ने किसी को आपने बताया साबुन के बारे में, अपने तेल अच्छा है, पेट में गैस नहीं बनता है ना, उसके फ़ायदे के बारे में आपने ज़रूर बताया फील्ड में लोगों को, और आप रोज़ जाते हैं। ग्यारह लोग हम लोग हैं, चलिए हम लोग ये 11 लोग हैं, 13 लोग हो गए हम लोग। मैं एक बार नाम ले लेता हूँ, जितने लोग कल गए थे सभी का नाम मैं ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, तो 14 लोग हो गए, बहुत बढ़िया। करण कुमार जी हैं, दीपक गुप्ता जी, अनूप कुमार जी हैं, सत्तन कुमार, परवेज आलम जी हैं, रंजना देवी जी हैं, सूरज वर्मा जी हैं, पंकज गुप्ता जी हैं, गोपाल वर्मा जी हैं,
दीपक टू जी हैं, बबलू यादव जी हैं, सरोज पटेल जी हैं, अमित मंडल जी हैं, कमल कुमार जी हैं, श्यामू जी हैं, ये सभी लोग 15 लोग हैं। और ये 15 लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फील्ड में जाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को यहाँ तक लेकर के आने के लिए, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सभी लोग एक दूसरे की मदद करने जा रहे हैं, एक दूसरे का भला करने जा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और भगवान आपकी भला करेगा, आपका सपोर्ट करेगा, आपको सहयोग करेगा। आज दिन चाहे जैसा भी आपका हो, लेकिन आने वाले दिन में आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की बातों को यहीं पे विराम देता हूँ, कल कुछ नई जानकारी के साथ मिलूंगा। आज हमने क्या सीखा कि जब 5000 पीवी हमारे नीचे टोटल मिला के हो जाता है, तो हमें 2% पैसा हमारे खरीदारी का आना शुरू हो जाता है। हमारे नीचे जब 10 हो जाता है तो 350 रुपये आने लग जाता है। 20000 बिजनेस चले जाता तो 450 रुपये, अगर हम स्लेब पर है तो, लेबल पर रुके हुए तो अपने बस अड्डे पर, ठीक है, अड्डे पर रुके हैं तब गड्ढे पर नहीं, अड्डे पर, तो ये पैसा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि 450 का सल्ट है, अगर मैं 26.5% पे तो 19 रुपया मुझे 119 रुपया आ गया, तो आप मुझे बताओ सल्ट कितने का पड़ा। तो एक सल्ट मुझे 330 रुपये का पड़ा सिला सिलाया, तो कहाँ महंगा पड़ा, लोग कहता महंगा कहाँ महंगा। और अभी 26.5 पे हो, जब मैं 45% पे निकालूंगा इसको ना 450 पीवी में से 45%, तो आपको बता दूं ना ये सल्ट मुझे फ्री में मिलता है, हर महीने जितना चाहूँ फ्री में खरीदता हूँ, कोई पैसा नहीं लगता ये सल्ट का, वैसे भी नहीं लगता, जो आपको बात बता दूं साफ है। लेकिन मेरी शुरुआत जैसे आपने किया है ना, ठीक ऐसे ही हुई थी, जैसे आप कर रहे हो ना ऐसे मेरी भी शुरुआत हुई थी। तो आज मैं 7000 का सामान खरीदता हूँ, 27000 रुपया आता, सोचो यानी 20000 रुपया ज़्यादा आता महीने का। लेकिन शुरुआत ऐसे ही हुई थी जैसे आपकी हुई है, मैं भी ऐसे लोगों को बताना शुरू किया जैसे आप बताते हो, मैं भी लोगों के पास जाना शुरू किया जैसे आप जाते हो, ठीक है, मैंने भी लोगों की मदद किया। और नहीं किया होता तो इतने लोग हमारे साथ कहाँ होते इस समय जूम मीटिंग में, अगर हम आप लोगों को नहीं बताए होते तो आप लोग कहाँ होते हमारे साथ में। तो ऐसे आप भी लोगों को बताइए, उनको जागरूक बनाइए, उनका उत्साह बनाइए, उनके सपने जो मरे उनको जगाइए, उनको सच्चाई बताइए कि राशन खाने से पैसा आता है, आ रहा है लोगों को, लोग स्वस्थ है, मस्त है, फिट है एकदम, बताइए लोगों को, ठीक है। ये बता दिया, उसके बाद मैंने आपको इधर बता दिया कैलकुलेशन करके कि बेचना तो पड़ेगा, बिना बेचे अमीर नहीं बन सकते आप, बिना बेचे नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। बेचना सीख लो और बोलना सीख लो, दो चीज़ें, बोलोगे तो बिकेगा। तो पहले प्लान दिखाओ, फिर सामान दिखाओ, फिर वहाँ कुछ बेच के आओ, क्लियर, इस तरीके से आगे बढ़ना है।